हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने लास्ट वीडियो में पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल किया था और हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट एप्लीकेशन पर, पोटेंशियोमीटर एक जो टॉपिक है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं और इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, बट हमने एप्लीकेशंस अभी तक कवर नहीं किए हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू आर टूडेज टॉपिक, मुझे छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोग को। जो भी बच्चे मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं या जिनको ऐसा लगता है कि वो मेरी वीडियोस को समझ पा रहे हैं, उनके लिए एक और प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है। मतलब बिसाइड्स यूट्यूब, आप जो मेरी वीडियोस देखते हो, एक टेलीग्राम चैनल है विद द नेम साइंस स्टूडियो। तो आप उस पर, अगर अपार्ट फ्रॉम दीज वीडियोस आपके कुछ इंडिविजुअल डाउट्स हैं इसी इन्हीं कंसेप्ट को लेकर, या फिर आपको साइंस के दूसरे फील्ड्स में इंटरेस्ट है, आप साइंस में एक्सप्लोर करना चाहते हो डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, स्पेस साइंस हो गया, बहुत सी चीजें हैं ऐसी जिसमें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना आने वाला फ्यूचर। बट बात यह है कि सिंस अभी हम 11 ट्वेल्थ में है तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। थोड़ा अगर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, या किसी को नीट का एग्जाम देना है, या किसी को आईआईटी का क्रैक करना है, तो उसके लिए फिर हमारा थोड़ा पर्पस जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। पर ऐसी बात नहीं है, जो भी लोग एक्स्ट्रा कोचिंग पर जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वहां पे उससे रिलेटेड बहुत सारा स्टफ ऐसा है जो आप लोग देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो जरूर जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाला है, डिस्क्रिप्शन खोलें, लिंक को क्लिक करें, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो भी सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं चैनल के बारे में और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। सो गाइज, ये तो बात हो गई चैनल के बारे में, और डिस्क्रिप्शन में ही साथ साथ आप जो मेरा लास्ट वीडियो का लिंक है उसको क्लिक कर लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। हो सकता है आप लोग ने यार लास्ट वीडियो ना देखा और वही टॉपिक कंटिन्यूड हो, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो प्लीज लास्ट वीडियो पहले देख लें अगर कोई टॉपिक कनेक्टेड है कि नहीं है, तो अगर देखना चाहें तो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपसे दे दूंगी। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट हमने टॉपिक पोटेंशियोमीटर का किया था, हमने ये देखा था पोटेंशियोमीटर होता क्या है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा सर्किट है जिससे कि हम किसी भी सेल के ईएमएफ को या तो फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे सेल्स के ईएमएफ को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं, और तीसरी चीज क्या है, हम किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली ये आता है एप्लीकेशंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। पर पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है वो भी हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हम कहते हैं कि जब किसी भी सर्किट में से कांस्टेंट करंट आई फ्लो कर रहा होता है, तो उस सर्किट में, सपोज करो पी क्यू अगर मेरी लेंथ है, मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ पी क्यू है, तो इस वायर के अक्रॉस कोई भी पोर्शन का अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो बेसिकली उसी की उतनी पोर्शन की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ये प्रिंसिपल भी पढ़ के आए हैं। बट एनी हाउ गाइज, अगर आप लोग को लगता है कि हमें थोड़ा कम समझ में आया या फिर हमें थोड़ा और डिटेल में समझाया जाए, तो नो वरीज, हम आज का टॉपिक भी थोड़ा सा पीछे से शुरू करने वाले हैं, बिकॉज एप्लीकेशन का जो काम है मैं एक बार प्रिंसिपल जरूर रिवाइज कराऊंगी, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो पहली बात, पोटेंशियोमीटर क्या है और हम उससे करने क्या वाले हैं। पोटेंशियोमीटर एक तो डिवाइस है या फिर एक सर्किट है जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भी स्पेसिफाई होकर कह दूं तो हम ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं किसी भी सेल की। ईएमएफ, इस पर जोर है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ईएमएफ को। अब देखेंगे वो ईएमएफ है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम आराम से देखेंगे हम क्या चीज करने वाले हैं। तो पहली बात, इट इज यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सेल और द बैटरी। हम ईएमएफ को ईएमएफ कहते ही कम है जब किसी सेल या फिर बैटरी में से करंट ड्रॉ नहीं होता। हाँ ठीक है, ये बात ईएमएफ और टीपीडी में एक यही डिफरेंस पड़ा था। बेसिकली किसी भी बैटरी का के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है, तो उस टाइम पे उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम उसको ई से डिनोट करते हैं। अब वो मैक्सिमम कब होगा पोटेंशियल डिफरेंस? जब इस बैटरी में से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होगा। हम ईएमएफ की डेफिनेशन में भी पढ़ के आए, जब कोई सर्किट या तो ओपन होगा या फिर उस सर्किट में से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होगा। अब क्योंकि उस सर्किट में से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होगा, तो इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो आर होती है, उसका रोल खत्म हो जाएगा। अगर करंट फ्लो हो रहा होगा तब क्या होगा, वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर के फॉर्मूले से अगर हम देखें,
तो सिंस करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से, तो आई की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो आर के अक्रॉस मतलब बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना ये बात। अब बैटरी के अंदर भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब बैटरी की भी कुछ अपनी एक पोटेंशियल डिफरेंस अंदर से होनी चाहिए जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस कॉज कर पा रही है, तो वो आई आर होती है, स्मॉल आर इंटू में आई। तो वो करने के लिए अब सिंस करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाएगा, मतलब वी की वैल्यू ई नहीं रहेगी। कब नहीं रहेगी? जब करंट की वैल्यू कुछ होगी। अगर करंट की वैल्यू जीरो कर दें उस बैटरी के अक्रॉस तो उस टाइम पर क्या होगा, जीरो कर देंगे तो यहां आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, आई की वैल्यू जीरो होने से वी बराबर ई आ जाएगा, मतलब कि उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा जो कि ई के बराबर होगा। गाइज मैंने इसमें और कुछ कंसेप्ट को नहीं लगाया, ईएमएफ और टीपीडी की जो बात है वो हम पहले बहुत पहले से करते आ रहे हैं, और अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें किसी चीज में डाउट है तो प्लीज यार जाके वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। तो ये करने के बाद ई माइनस आई आर बराबर वी है, हम ये फॉर्मूला पढ़ के आए, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं बेसिकली एक ब्रीफ फॉर्म में, ब्रीफ मतलब कि जर्नल फॉर्म में इस फॉर्मूले को कैसे यूज किया जा सकता है पोटेंशियोमीटर के सर्किट में। सपोज करो गाइस मेरे पास एक बैटरी है, बेसिकली एक प्राइमरी बैटरी है। प्राइमरी बैटरी से क्या मतलब, हमारा इस वीडियो का इस लेक्चर का मोटिव क्या है, हमें एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, बट इसका ईएमएफ ई है ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, एक प्राइमरी बैटरी ली है जिसका काम क्या है, एक इस सर्किट में कांस्टेंट करंट को फ्लो कराना। हम देखेंगे कांस्टेंट करंट ही क्यों है, वैसे मैं थोड़ी बात कर भी चुकी हूं। तो ये प्राइमरी बैटरी है जिसका कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, खैर अभी हमें इससे मतलब नहीं है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो इस बैटरी का निकालना है। तो ये बैटरी ली मैंने, एक की लगाई है आगे, ठीक है, और एक रियोस्टैट लगाया आगे ताकि हम जो सर्किट में करंट है उसको कांस्टेंट रख पाए। हो जाता है कहीं कभार टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो करंट की वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो उसके लिए कांस्टेंट रखने के लिए रियोस्टैट है। और ये पी से क्यू लेकर पी से क्यू तक एक वायर अटैच की गई है, और बेसिकली मैं क्या बताने वाली हूं यहां पे, प्रिंसिपल को हम रिवाइंड करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। तो पी से क्यू तक एक वायर है, उसके अक्रॉस मैंने वो बैटरी लगाई है जिसका ईएमएफ मुझे फाइंड करना है, ठीक है ये बात। ईएमएफ फाइंड करना है मुझे उस बैटरी का, तो मैंने आगे क्या किया, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। जो सर्किट एज इट इज आपको दिखाई दे रहा है गाइस, प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, या फिर आप चाहो तो कॉपी में नोट भी कर सकते हो साइड बाय साइड। तो बैटरी के साथ गैल्वेनोमीटर के साथ एक चौकी लगाइए। तो हमने इस प्रोसेस में करना क्या है, की ऑन कर दी मैंने, ठीक है। की ऑन करने के बाद क्या हुआ, मैंने जो चौकी है वो पी क्यू लेंथ के ऊपर स्लाइड करनी है, ठीक है। स्लाइड करने के बाद क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसी लेंथ आएगी, सपोज करो ये कोई पॉइंट आता है तो पी से लेकर जे तक कोई ऐसी लेंथ होगी जिस लेंथ पर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी, इट मीन्स गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं बह रहा है, तभी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ रही है। तो अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं बह रहा है, इट मीन्स पी से लेकर जो जे तक पाथ है इस वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, ये बात इतनी बात क्लियर है। उस टाइम पे जो ईएमएफ होगी ना बैटरी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ ऑफ वायर होगी, ये हम प्रिंसिपल में पढ़ के आ चुके हैं। वो कैसे, अब हम पढ़ के आ चुके हैं, मैं थोड़ा सा और जल्दी से आपको बता देती हूँ। वी इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है, वी कह लो या फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से या फिर इस कंडीशन के हिसाब से यहां पे ई की बात की जाएगी। तो वी क्या है, बेसिकली वी और ई में एक ही फर्क है, जो E होता है वो मैक्सिमम V होता है, मतलब E जो होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। तो V बराबर IR है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, सिंस सर्किट में करंट कांस्टेंट है, ठीक है, मैंने एक बैटरी लगाई है और ध्यान रख रही हूं मैं रियोस्टैट से कि जो करंट है वो कांस्टेंट जा रहा है बैटरी में। कांस्टेंट करंट से क्या हुआ, I की वैल्यू फिक्स हो गई PQ लेंथ के अक्रॉस, ठीक है, I की वैल्यू फिक्स हो गई, ये I करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद I इंटू में रो L अपॉन A, रेजिस्टेंस फॉर अ वायर को मैंने खोल दिया, रो एल अपॉन ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर, एल क्या है लेंथ ऑफ एनी पोर्शन, और ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैं मान के चल रही हूं जो हमने पिछले टॉपिक में किया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रो जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो जो वी हो जाएगा, और आई तो कॉन्स्टेंट है ही है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। उस टाइम पे
एक तो कांस्टेंट करंट ड्रॉ हो रहा है पूरे सर्किट में से, उस टाइम पे जितनी भी हमने बैटरी के अक्रॉस जितनी भी वायर की लेंथ आएगी, वो लेंथ जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो अगर कर रहा है, इट मींस पी से लेकर जे तक इस वायर में कोई करंट नहीं दौड़ेगा। ठीक है ये बात, इस वायर में कोई करंट नहीं दौड़ेगा, इसका ये मतलब है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ये भी हम बात पढ़ के आ चुके, अगर किसी भी बैटरी में से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, जो कि ई के बराबर होगा। तो ये कारण है कि हम जीरो डिफ्लेक्शन मेथड को यूज करते हैं। जीरो डिफ्लेक्शन का हमारा मेन मोटिव यही है ताकि हम किसी भी बैटरी के पीडी को ना मेजर करके ई को मेजर कर पाए। ये तो हो गई गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जीरो करंट लाने की बात कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और रही बात इस पूरे सर्किट में से कांस्टेंट करंट फ्लो कराने की, वो इसलिए करते हैं ताकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाए। अब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का क्या मतलब होगा, हम पढ़ चुके वैसे तो ये बात, वी अगर आई आर के बराबर है और कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो जो वी होगा इस बैटरी के अक्रॉस, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। सो आई होप कि ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ है आप लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा मतलब इसको एक्सपैंड करके कोशिश की है कि जितना भी ज्यादा हो सके मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूं, बिकॉज कोई भी स्किप, छोटी सी भी चीज स्किप कर दो तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये बात थोड़ी कम समझ में आई। तो मैंने पूरी कोशिश की है आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर करने की। फिर भी अगर ऐसा किसी को लगता है कि कोई डाउट है तो जरूर यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां आपके इंडिविजुअल डाउट्स को भी हम जो है एंटरटेन करेंगे और बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास आ जाएगी। तो बेसिकली यहां पे लिखा भी हुआ है कि जो पोटेंशियोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। नल डिफ्लेक्शन मतलब जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन से हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को नोट करना है जब करंट जो होगा एक तो जीरो होगा। उस टाइम पे मुझे क्या देखना है, जो लेंथ ऑफ वायर है वो कितनी बन रही है, ठीक है। तो उससे मैं क्या पता कर लूंगी, जो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। ये तो हम देख ही चुके हैं वो मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से इस पूरी वायर में से करंट की वैल्यू जीरो है और उस टाइम पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो ई की वैल्यू जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगी। तो बस यही लिखा है कि जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है जब आई जीरो होता है। तो उस टाइम पे बेसिकली आई जीरो होने से क्या हुआ, ई बराबर वी आ जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई है सबको। यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो जरूर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर करो और कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखो यार वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अपने वीडियोस को, अपने वीडियोस के कंटेंट को बेटर कर पाएं। और मेरी कोशिश साथ में ये भी है कि आप जो है स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले पाओ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स की भी डिमांड कर रहे हैं। तो यार देखो अब क्या करना है, अब हमने एक मेन जो फंडा था ना पोटेंशियोमीटर का वो समझ लिया है, अब हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। एक्सपेरिमेंट कौन सा एक्सपेरिमेंट, जो आप बेसिकली अपने प्रैक्टिकल में जाके परफॉर्म करने वाले हो, बहुत ही मतलब देखा जाए तो थोड़ा ट्रिकी सा और काफी लेंथी सा दिखने वाला अपरेटस होता है, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं और उन कनेक्शंस को कैसे याद रखना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाता है एक्चुअली। पर उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास एक बहुत सही चीज है जिससे कि आप जो कनेक्शंस हैं सर्किट को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। कुछ नहीं करना, सर्किट आपको बनाना आना चाहिए, आप अपने कॉपी पेन पे सर्किट बना लो, ठीक है। अगर आपको सर्किट बनाना आ गया ना, इट मींस आप उस सर्किट को देख के अपने अपरेटस को वायर्स के साथ जोड़ सकते हो। तो वो काम करना है, सर्किट मैं आपको दिखा दूंगी कैसे बनाना है। बेसिकली हमने पहले भी बात की है सर्किट की, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट गाइस, लेकिन क्या करें टॉपिक भी बहुत बड़ा है। तो आपको करना क्या है, एक्सपेरिमेंट में पहले तो आप ऑब्जेक्ट या फिर एम लिखने वाले हो, ठीक है ना, एम लिखते हैं ना सबसे पहले प्रैक्टिकल में, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अपरेटस देख लो यार क्या क्या चाहिए, ऑब्वियसली बात है एक पोटेंशियोमीटर चाहिए होगा, एक गैल्वेनोमीटर जो कि हम देख के आए, अभी हमने सर्किट में देखा गैल्वेनोमीटर लगा था, लेक्लेंचे सेल, डैनियल सेल। सिंस हमें दो बैटरीज या फिर दो सेल्स की ईएमएफ को मेजर करना है, तो वो दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो एक तो लेक्लेंचे सेल है और एक डैनियल सेल है। गाइस जिसने भी लेक्लेंचे और डैनियल सेल को नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट मेरा जो वीडियो है उसको देखने के बाद आप जरूर जाके एक बार देखें, वीडियोस में जो आते हैं प्रैक्टिकल के उसमें लेक्लेंचे सेल को, उनका कॉम्पोजिशन को भी अच्छे से बताया कि वो कैसे बना हुआ है।
तो उसके बाद वन वे की चाहिए, एक टू वे की चाहिए, ठीक है ना। टू वे की अगर नहीं देखी है तो जरूर जाके देखें टू वे की कैसी दिखती है। रियोस्टैट चाहिए। रियोस्टैट क्यों चाहिए? बेसिकली हमें जो करंट की वैल्यू है उसको कांस्टेंट करने के लिए चाहिए। कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, बैटरी चाहिए और जो कि चाहिए। बैटरी क्या है? ये बेसिकली प्राइमरी बैटरी है जो कि एक कांस्टेंट करंट को प्रोवाइड करने वाली है और जो कि, ठीक है। और प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल में क्या है? लेट ईएमएफ ऑफ लैग्रेंजियन सेल E1 है और बैलेंसिंग लेंथ जो हम देख के आए, बेसिकली जो सर्किट में बैलेंसिंग लेंथ का काम होता है, जब गैल्वेनोमीटर में से जीरो करंट फ्लो कर रहा होता है तो उस टाइम पे जो भी लेंथ आती है अक्रॉस दैट वायर वो बैलेंसिंग लेंथ होती है। तो वो L1 मानी है, तो E1 इक्वल्स टू KL1, सिंस जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, उसके बाद V KL के बराबर हो जाता है, ठीक है। बेसिकली K क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है। तो E1 इक्वल्स टू KL1 और डैनियल सेल के लिए अगर उसका EMF E2 माना है, बैलेंसिंग लेंथ L2 मानी है, तो E2 इक्वल्स टू KL2।